विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आगामी 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू होने वाली है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 15,29,393 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस बार मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी की फोटो भी सम्मिलित रहेंगे, ताकि परीक्षा में गलत विद्यार्थी न बैठ सके, जिसमें छात्रों की संख्या 7,46,359 है और छात्राओं की संख्या 5,96,359 है। हर परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षार्थी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र, जूता, मोबाइल, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी है। पूरे बिहार में 13,568 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 40,359 छात्रों की संख्या है, अर्थात छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से ज्यादा है। और निश्चित रूप से यह राज्य सरकार द्वारा जो महिलाओं और छात्राओं की परीक्षा की शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे उद्देश्य, कई सारे कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, उनका यह परिणाम है कि छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 69,175 छात्र छात्राओं के सम्मिलित होने हेतु फॉर्म भरा गया है। इनमें से पटना जिले में 36,890 छात्राएं शामिल हैं और 32,285 छात्र सम्मिलित हैं। अर्थात पटना जिले में जो छात्राओं और छात्र का अनुपात है, यह बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक है। और यहाँ पर रिलेटिवली रेशियो वाइज छात्राओं की संख्या पटना जिले में अधिक है। इस पूरे परीक्षा व्यवस्था को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हुए जोनल मैजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। और उसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और कुछ केंद्रों को मिलाकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड्स भी अलग अलग जिलों में कार्यरत रहेंगे। ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर नियमित रूप से पदाधिकारियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा गश्ती की जा सके और औचक निरीक्षण समय समय पर प्रत्येक केंद्र का होता रहे। इसके साथ ही पूरे सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए 10 सेट क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं और जो भी विद्यार्थी किसी भी विषय में परीक्षा देंगे उन्हें 10 सेट क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे ए से लेकर जे तक, ताकि विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार की आपस में कदाचार की संभावना को इसमें समाप्त किया जा सके। कदाचार और वायरल की भी संभावना, जो कुछ लोग वायरल करने का प्रयास करते हैं, उसको भी संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट्स तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों की चेकिंग दो स्तर पर सभी परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। एक बार परीक्षा केंद्र पर घुसने के पूर्व फिस्किंग की जाएगी और दूसरी बार परीक्षा केंद्रों के अंदर जब विद्यार्थी अपने अपने सीट पर बैठेंगे उस समय परीक्षा में संलग्न वीक्षकों द्वारा पुनः उनकी जाँच की जाएगी। वीक्षकों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि लगभग प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक सम्मिलित होंगे और उन वीक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो उनके प्रभार के 25 विद्यार्थी होंगे उनकी वो समुचित जांच करते हुए उन पर वो परीक्षा हेतु सतत निगरानी और पर्यवेक्षण बनाए रखें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कदाचार की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके साथ साथ सभी 1,368 परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द धारा 144 लागू कर दिया गया है, जो परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेगा। और इस दौरान, परीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अर्थात अनऑथराइज्ड पर्सन का प्रवेश पूरी तरह परीक्षा केंद्रों पर वर्जित रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की गई है। प्रत्येक 500 विद्यार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है और बाहरी परिसर में भी नजर रखने के लिए समिति द्वारा वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। दंडाधीशक के अलावा और कोई भी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी या टीचर्स या परीक्षा में सम्मिलित कोई भी कर्मी
मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकेंगे। इनके प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में सभी विद्यार्थियों को एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो कि इंटर की परीक्षा में भी पहले दिन देखा गया कि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पूर्व न्यूनतम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है। इंटर की परीक्षा में ऐसा देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों ने कतिपय कारणों से इसका अनुपालन जो नहीं कर पाया, जिन्होंने अनुपालन नहीं किया, वे या तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके या उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि निर्धारित समय से काफी पूर्व, कम से कम आप आधे घंटे पूर्व, आप परीक्षा केंद्रों पर जरूर पहुंचने की आप कोशिश करें, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट का जो 10 मिनट बचा रहता है परीक्षा शुरू होने के पूर्व, उसमें यदि किसी भी कारण से ट्रैफिक जाम के कारण या वाहनों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण या किसी अन्य कारण से यदि आप 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो आपकी परीक्षा मिस हो सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए वेल इन एडवांस सफिशियंटली टाइम रहते हुए आप 20 मिनट 30 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना चाहिए, यह मैं अपील करना चाहूंगा, ताकि किसी भी छात्र छात्रा को परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इस प्रकार जो पहले श्रेणी की परीक्षा है, चूंकि पहले श्रेणी की परीक्षा 9:30 से प्रारंभ होगी, अतः इसके लिए अधिक से अधिक मैक्सिमम 9:20 तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। और जो दूसरे सीटिंग की परीक्षा 1:45 पर शुरू होगी, उसके लिए 1:35 पर सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन यह अपील रहेगी हम लोगों की कि उसके भी आप पहले पहुंचे, ताकि लास्ट मोमेंट रश या किसी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण आपकी परीक्षा बाधित नहीं हो सके। विषय के हर क्वेश्चन पेपर का 10 सेट है, और 10 सेट के क्वेश्चन पेपर का क्रम अलग होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वायरल की संभावना ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को अंदर कौन सा सेट मिलेगा यह तय नहीं है, यह पूरी तरह से रैंडम रूप से निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के चीजों पर ध्यान नहीं दें और पूरे मनोयोग के साथ परीक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।